मूंग की सब्जी जो है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है दोस्तों। इसके आगे तो पनीर भी फीका है। अब हम इसे फटाफट एक प्लेट में सर्व करेंगे इस तरीके से। वाओ, आप देख सकते हैं इसका ग्रेवी जो है कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल पनीर भी इसके आगे फीका है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे मूंग की सब्जी कैसे बनाई जाती है जो बहुत ही टेस्टी और यमी हो। तो दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहिए और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन हो आपके मोबाइल पे जा सके और आप हमारे प्यारे वीडियो को देख सके। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम आपको ले चलते हैं अपने प्यारे से किचन में और दिखाते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है और इनमें क्या क्या सामग्री लगती है। दोस्तों आज हम आपको बनाकर दिखाएंगे मूंग की सब्जी। जी हाँ दोस्तों, जो बहुत ही तीखी और चटपटी होती है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है मूंग, और मूंग को हमने पहले से ही पानी में 10 घंटे तक हमने इसे भिंगो के रख दिया था मूंग को, और हमने इसे पानी से अच्छे तरीके से छान लिया है और इसे हम सूखे बर्तन में रख लिए हैं। इसके लिए हमने ले लिया है हरी मिर्च और लहसुन। अब हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं हमने लिया है ग्राइंडर जार, और इसमें हम हरी मिर्च तोड़ देंगे। इससे हमारा जो है मूंग का सब्जी का जो पेस्ट तैयार होगा वो भी चटपटा बनकर तैयार होगा, जिससे इसकी सब्जी जो है बहुत ही यमी और टेस्टी लगेगी। हम लहसुन के टुकड़े भी डाल देंगे, 2-3 हमने लिया कली, इसे ऐड कर देंगे और मूंग को ऐड कर देंगे, और हम इसे ग्राइंडर डाले अच्छे से इसे पेस्ट बना लेंगे। मूंग को पीसने के लिए हमने इसमें हल्का सा पानी ऐड करके और इसे हमने फटाफट पीस लिया था। आप देख सकते हैं कितना हमने महीन इसे पीस लिया है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल देंगे। इसी तरह करके हम सारे मूंग को पेस्ट बना लेंगे पीसकर, और इसमें हम हल्का सा पानी ऐड करेंगे। ज्यादा पानी हमें ऐड नहीं करना है ताकि ये अच्छे तरीके से पेस्ट बन सके, और इसे ढक्कन को लगा देंगे। ऐसे ही सारे मूंग को हम पीस लेंगे। सारे मूंग को आप देख सकते हैं हमने इसे बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। जैसे में हम ऐड करेंगे पहले नमक, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, जिससे हमारा इसका कलर भी चेंज हो जाता है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा हल्का। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। इस तरीके से ये हमारा जो रेसिपी तैयार होगा वो बहुत ही टेस्टी तैयार होगा, और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया है। अब हम इसे एक कटोरे में निकाल लेंगे थोड़ा सा, ताकि हमें ये ग्रेवी में काम देगा। इसके लिए हमने एक प्लेट लिया है, और प्लेट में पहले हम तेल लगा देंगे। तेल लगा देंगे और इसे हाथों से या किसी और चीज से अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इससे हमारा पेस्ट जो है नीचे की तरफ चिपकेगा नहीं। अगर आपके पास बराबर परत का बर्तन हो तो और ही परफेक्ट होगा। अब हम इसमें जो पेस्ट तैयार करके रखे थे इसमें रख देंगे अच्छे तरीके से। बिल्कुल हमने इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं हमने इसे बराबर परत चढ़ा दिया है इस पे। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ लिया है कढ़ाई, और कढ़ाई को हमने गैस पे रख दिया है, और इसे हम अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें तेल ऐड करेंगे, और तेल को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, लाल मिर्च ऐड करेंगे, और इसे हम हल्का सा तड़का लेंगे। फोरन हमारा तड़क चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज, और प्याज को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से भून लेंगे, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारा जो है गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले जो हमने पेस्ट तैयार करके रखे थे। मसाले में हमने लिया है धनिया, जीरा मरीच, लहसुन, और इसे हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर,
दोस्तों हम घर के ही मसाले से बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज आपको मूंग की सब्जी बनाकर दिखाएंगे और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। दोस्तों याद रहे नमक कर दिए हैं मूंग के जो आप पेस्ट तैयार कर रहे थे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें भी नमक ऐड करना है। अब हम इसमें हल्का सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा मसाला जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से भुना सके और मसाले को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन हो आपके मोबाइल पे जा सके और आप हमारे प्यारे वीडियो को देख सके। तो दोस्तों अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और टमाटर को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे और इसे और अच्छे से भूनने के लिए डालेंगे हल्का सा पानी ताकि हमारा मसाला जो है अच्छे तरीके से भुना सके। गैस के फ्लेम को करेंगे लो, बिल्कुल हमें इसे लो कर देना है और इस पे रखेंगे हम एक कटोरा और कटोरे को हम अच्छे तरीके से बैठा देंगे। ये देखिए परफेक्ट कटोरा बैठ गया है और इसके ऊपर हम रख देंगे जो हमने प्लेट में अच्छे तरीके से मूंग का पेस्ट तैयार करके रखा था और इसे हम ढक्कन से ढक देंगे और याद रहे गैस का फ्लेम हमें मीडियम एकदम लो कर देना है ताकि मसाला और हमारा मूंग का जो पेस्ट है बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाए और इसे हम 10 मिनट तक अच्छे तरीके से पकने देंगे लो फ्लेम पर। तो दोस्तों चलिए हम इसे देखते हैं कि हमारा जो है मूंग का कंसिस्टेंसी कैसा हुआ है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से जम गया है, इस पे इसके वाष्प से ये अच्छे तरीके से पक गया है, देख सकते हैं। अब हम इसे फटाफट निकाल लेंगे, प्लेट को हम बाहर कर देंगे और कचौरी को हम बाहर निकाल लेंगे। वाव, आप देख सकते हैं मसाला भी हमारा कितना कलरफुल हो गया है और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मसाला भी यहाँ भुना कर रेडी हो गया है। टमाटर को हल्का हल्का प्रेस कर देंगे तो टमाटर भी हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, देख सकते हैं। मसाले जो आप देख सकते हैं वो कितना सुंदर भुना चुका है, आप देख सकते हैं इसका तेल जो है छोड़ने लगा है चारों तरफ से। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने मूंग के जो हमने पेस्ट तैयार करके रखे थे उसे एक कटोरी में, उसे हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों इससे हमारा ग्रेवी जो है बहुत ही टेस्टी बनेगा और गाढ़ी होती है। तो दोस्तों हमारा मूंग का सब्जी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अच्छा लगे तो इसे दोस्तों में शेयर करिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसमें डालेंगे हल्का सा पानी ताकि हम इसे भी अच्छे तरीके से भून सके। घर के मसालों से बहुत ही जबरदस्त सब्जी बनाकर दिखाने वाले हैं दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट जम गई है। अब हम इसे पीसेस करेंगे, देख सकते हैं कितना सुंदर ये कट रहा है दोस्तों, और इसे हम बिल्कुल पनीर की तरह काटेंगे। दोस्तों आप जिस तरह से इसका शेप देना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग इसका शेप दे सकते हैं। हम इसे इस तरीके से कट कर रहे हैं। वाव, कितना सुंदर ना बनकर तैयार हो गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। वाव, तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये जम गया है दोस्तों और हमने इसे बिल्कुल परफेक्ट काट कर निकाल लिया है बर्फी की तरह, आप देख सकते हैं। इसी तरह करके हम सारे बर्फी को निकाल लेंगे एक प्लेट में, आप देख सकते हैं हमने इसके कितने अच्छे तरीके से पीसेस तैयार कर लिए हैं मूंग का। दोस्तों मूंग का जो सब्जी होता है बहुत ही टेस्टी होता है और ये बहुत ही फायदेमंद होता है। मूंग की हर एक चीज आपको खानी चाहिए, हर एक रेसिपी को बनाकर खानी चाहिए, जिस तरह आपको पसंद आए आपको जरूर खानी चाहिए दोस्तों। तो इसके लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। तो चलिए अब हम इसके मसाले को देखते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, साथ ही साथ में मसाला भी बनकर रेडी हो चुका है भुनाकर। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और पानी को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग पानी ऐड कर सकते हैं दोस्तों, ज्यादा पतला ना रखें, हल्का गाढ़ा ही रखें तो और ही बेटर होगा। और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसे अच्छे तरीके से पानी में उबाल आने देंगे ताकि हमारा ग्रेवी जो है टेस्टी बने। अब हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पत्ता। धनिया पत्ता से हमारा सब्जी जो है बहुत ही बेटर बनता है दोस्तों, और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा बढ़ जाता है सब्जी में डाल देने के बाद। तो आप सब्जी में धनिया पत्ता स्किप न करें, इसे जरूर ऐड करें। तो दोस्तों घर के ही मसाले से बहुत ही चटपटा और बहुत ही टेस्टी सब्जी हम बनाकर दिखाने वाले हैं दोस्तों। अब हम इसे ढक देंगे और इसे खौलने के लिए रख देंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे दोस्तों में जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें मेरे वीडियो को। मूंग में अच्छे तरीके से उबाल आ गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे तरीके से पीसेस करके रखे थे दोस्तों, अब हम इसमें ऐड कर देंगे सारे पीसेस को। इसे हम अच्छे तरीके से हल्का सा दोनों तरफ से चलाकर मिक्स कर देंगे और इसे 2 मिनट तक और पका लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मूंग की दाल की सब्जी हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो दोस्तों अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। तो दोस्तों अंधी को दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।